सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। सो ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड हमारे पास दो पाइल हैं, दो कैंडल यूज़ करे हैं आज मैंने। तो ये जो पाइल वन है ये पिंक है और पाइल टू है हमारे पास ब्लू। सो जो भी आपको अट्रैक्ट करिए कैंडल, सो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है सिलेक्ट करने में। सो आप वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो और मेन बात, जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो हम पाइल वन से शुरू करेंगे, जिन्होंने ये कैंडल पिंक सेलेक्ट किया है। सो उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं वो चेक करते हैं हम। ओके ओके, सो पाइल वन, पहली बात तो बी पॉजिटिव। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव रिसीव करेंगे, जितना नेगेटिव रहेंगे उतना नेगेटिव रिसीव करेंगे। सो पाइल वन वाले, प्लीज बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में नई ग्रोथ आ रही है एंड यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क नाउ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है रिजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं या डर रहे हैं। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आप जो है ना रिजेक्शन ना मिले कहीं से, इस बात से आप शायद डरते हैं और अभी भी डर रहे हैं, या फिर सामने वाला आपको हर्ट करके दोबारा से वापस ना चला जाए, ये बात का आपको काफ़ी डर नज़र आ रहा है। ओके, सो मुझे लगता है कि यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क। आई डोंट नो कि आप कौन सा रिस्क ले रहे हो, बट मेरे को लगता है कि आप ना रिस्क ले रहे हो एंड आप देख नहीं रहे हो कि आपके खाई है या कुआ है, दोनों आपको नहीं नज़र आ रहे हैं और आप ना उसके अच्छे बुरे परिणाम नहीं देख रहे हो, आप सीधा रिस्क लेने पर दिमाग लगा रहे हो। सो यहाँ पे वी अल्फाबेट जो है वो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है मेरे को। एंड कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक हील कर रहे हो अपने आप को एंड हीलिंग प्रोसेस में हो। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो हैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट सेलिब्रेशन इन योर लाइफ राइट नाउ। एंड सो मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, जस्ट वेट। सो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे ना, तो अभी बहुत हील हो रहे हो एंड मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से आपको कैसे हैंडल करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। भले ही आपको लोग कुछ भी कहते रहें बट आपको सब पता है कि क्या कंडीशन है, कैसे निकला जाएगा इससे, क्या चीज़ें होंगी। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कई लोग जो हैं वो एक्चुअली आप उस रिलेशन से निकल के, जो पुराना वाला आपको बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर गया है, सो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप न्यू रिलेशनशिप को एक चांस दोगे और मुझे लगता है कि सामने से आपको ऑफर आ सकती है। एंड फॉर मैरिज ऑल्सो, मैरिज का भी बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है आपका। नाउ यू वॉन्ट सेलिब्रेशन एंड मुझे लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे अपना जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत नज़र आ रही है। समटाइम्स आप मून की कंडीशन में जा रहे हो एंड आपको मून की कंडीशन में नहीं जाना है, ठीक है, तो आपको नहीं जाना है एंड आप भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी उसमें, ठीक है, अपने जहाँ भी आपको लग रहा है कि जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में आपको बैलेंस बनाना है सो बना रहे हो, सो गो फॉर इट। बट मेरे को लगता है करियर पे बहुत फोकस जो आप, एंड मुझे लगता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे कहाँ से कमाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात पे आपका जोर ज़्यादा है, ठीक है। सो देखो, आपके पास रास्ता सारा है, आप निकल सकते हैं एंड अगर आप सिचुएशंस में स्टक हैं तो आप वहाँ से बिल्कुल मूव ऑन कर सकते हैं, आपके पास रास्ता है। बट कभी होता है ना कि आप अच्छा बुरा नहीं देख पाते हो या आपको रास्ता होते हुए भी आप शांत रह जाते हो, तो ये कंडीशन थोड़ी बहुत बन रही है। सो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको,
चीज़ों पे आप ध्यान दें अपनी, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो आप, सो बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है? इमोशनल नहीं होना है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना इमोशनल फीलिंग यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है, नो नॉट एट ऑल. बस सिर्फ मेरे को चार पांच ही चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. एक है जो आपका करियर पे फोकस, दूसरा जो है आप किसी पे तो नज़र रखे हो, एंड तीसरा जो है हमारे पास वो है सेलिब्रेशन, एंड हम चौथा कह सकते हैं कि आप नए रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, एंड पांचवा जो है मैरिज हो सकती है आपकी, कि शायद पॉसिबल हो जाए. सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है. अब मेरे को ये नज़र आ रहा है कि आप जो है ना टू ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन में है ना, आप टू ऑफ पेंटिकल्स की ना कंडीशन में है. सो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. सो ठीक है, ये आपका जो भी चल रहा है ऑलरेडी गुड चल रहा है. सो मुझे लगता है कि आप जहाँ फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, ओके, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में थे आप, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, किसी बात को पकड़ के बैठे थे, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मुझे लगता है येस, अब ना आपने उसको लेट गो कर दिया है, एंड यू आर लर्निंग समथिंग, एंड यू आर नाउ फोकसिंग ऑन योर करियर. सो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा आगे जाके. एंड सो देखना कि जो आपको ऐसे छोड़ के गए हैं बीच रास्ते में, भले ही आप फुल लॉयल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका मैसेज आएगा, कॉल आएगा, एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू यू. ठीक है, उनको पता है कि आप में कितनी क्षमता है, आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन उनको जब पता नहीं थी आपकी कीमत जब आप उनके साथ थे, क्योंकि आप ना उनके साथ ऐसे थे कि उन्होंने जो बोला आपने हर बात के लिए हाँ किया है. सो इस बात से उनको लगता था कि नहीं, बट मेरे को लगता है येस, एक्स पार्टनर जो हैं आपके आ सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. एंड कई लोगों का जो ट्रस्ट टूट चुका था, तो मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी ऐसी आएगी कि वो जो आपको हीलिंग, लाइक हीलिंग कहीं से भी नहीं मिलती है ना, जब किसी ऐसे पर्सन से आप बात करते हैं, जब जो आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो या आप उनको चाहते हो, तो उनकी बातों से आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है. सो इस तरीके की कंडीशन बन रही है. सो कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि जिससे आप शेयर करना चाहते हैं, सो आप शेयर करिए, क्योंकि वो आपको हील करने में बहुत फ़ायदा देगा. सो इस कंडीशन को ओके बन रही है ऐसी. सो मेरे को ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र भी आ रही है कि आपको जो छोड़ के गए थे इंसान, ठीक है, वो आपके साथ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट अब आपने अपनी लाइफ में जो ग्रोथ लाने की कोशिश करी है एंड लेट गो करने की कोशिश करी है, तो मैं ये भी बता देती हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले अपने एक्स पार्टनर को, अपने जो भी फ्रेंड वगैरह, जो भी जिन्होंने आपको ऐसे धोखा दिया है या फिर चीट किया है, जो भी है. सो मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत कम लोग हैं ऐसे जो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज मेरे को फीलिंग नहीं आ रही है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, बट ठीक है, आप जो अपनी लाइफ में, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, सो ये रेजोनेट करे ना करे ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ओके, सो कई बार मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने किसी फ्रेंड से, पार्टनर से, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, या फिर मेरे को लग रहा है कि कोई ऐसा काम जो नहीं बन पा रहा है, सो उस वजह से आप थोड़े से परेशान हैं इस टाइम. बट डोंट वरी, मेरे को लगता है कि आप में इतनी क्षमता है और आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि हर कंडीशन को, हर चीज़ को आप संभाल सकते हैं. कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हैं, लाइक माफ़ तो नहीं करोगे आप, शायद ना करो ऐसा लगता है मुझे. एंड देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आई टोल्ड यू, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको समझ आ जाए ना, तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान ना आपको मतलब नीचा नहीं दिखा सकता, गिरा नहीं सकता है, एंड आपको कमज़ोर कभी नहीं समझेगा. सो ये बात याद रखना आप. बाकी चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ है आपकी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है. सो मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है आपकी लाइफ में. सो डोंट लुक बैक, दैट्स इट. एंड आप जिसको अभी भी देख रहे हो बार बार, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड चीज़ें आपकी बहुत सही जाएंगी, ठीक है? सो पेशेंस, हीलिंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना सीखो, आपके काम बहुत जल्दी बनेंगे, ठीक है? सो एक दो मैसेज और देखेंगे हम.
यस, अब आपको सब्र का फल मिलेगा। अगर आप बहुत दिनों से हार्डवर्क कर रहे थे, लाइक कोई भी हो सकता है, बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे भी, लाइक अगर आप तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, हार्डवर्क कर रहे थे, फोकस हो गए थे, सो मुझे लगता है उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ओके, ये थी हमारी पाइल वन की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। हम देखेंगे अब टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे, आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। यू आर लर्निंग समथिंग एंड आपका किसी ने दिल तोड़ा है, अब आप उसके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, काफ़ी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपका बर्डन था, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड मुझे लगता है, मैंने बोला है ना कि आप बैलेंस आउट करोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, एंड न्यू बिगनिंग है आपकी, ठीक है। सो जो भी आपका एंड हुआ है एंड आपकी सारी परेशानियाँ जो हैं वो एंड हो चुकी हैं, सो डोंट वरी बट डोंट लुक बैक। ओके, सो डोंट लुक बैक, मैं बोल रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट लुक बैक, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग ऑन योर वे, एंड सो आप इस पे फोकस करें, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप उस पे फोकस करें, बट आपको क्या है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, सो हर्मिट की एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर आ चुके हैं, इट्स अ रिवर्स कार्ड एंड वन मोर। So you are looking forward to someone else, okay? And you are looking forward to some kind of new job, new business. So ये भी काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। So ये थी हमारी पाइल वन की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। पाइल टू पे चलेंगे हम, कि पाइल टू के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का कैंडल सेलेक्ट किया था, ब्लू कैंडल सेलेक्ट किया था, सो उनके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं ये देखेंगे हम। ओके, सो गुड लक एंड फोकस 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 ऑन ओनली ऑन पॉजिटिव सिचुएशंस। ओके, आने दो मैसेज, आने दो पहले। सो मुझे लग रहा है कि आप ना कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि यस मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना, आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये कंडीशन बन रही है क्या कई लोगों के लिए, कि आपको लगता होगा पहले कि मैं कर सकता हूँ, फिर आपको लगता होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। सो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बन रही है एंड आप जो है टू ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन में हो शायद, तो आपको लगता है कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। सो आप ये चीज़ थोड़ा सा समझने में आपको देरी हो रही है या मुश्किल हो रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। बट मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप जो है स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दोगे या दे रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप सेलिब्रेशन चाहते हैं एंड यू आर लर्निंग समथिंग वेरी न्यू एंड यूनिक ऑल्सो, सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो वी हैव, देखो फाइव ऑफ कप्स की आप एनर्जी में अगर हो, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में अगेन एंड अगेन जा रहे हो, सो डोंट डू दैट। अगर आपने ये सब किया तो जो भी आप फोकस कर रहे हो, फिर आपको ना अच्छी चीज़ें रिसीव नहीं होगी। सबसे पहले आपको यही करना होता है, इट्स अ नियम समझ लो आप, रूल है ये, यूनिवर्स का रूल है कि जब तक आप किसी ऐसी चीज़ को लेट गो नहीं करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दे रही है, सो अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं अच्छी। सो इस बात का आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप जो हैं अपने पर्सन से मिलने का प्लान बना सकते हो एंड यू वॉन्ट टू मीट, बहुत ज़्यादा दिन से आप वेट कर रहे थे तो आप मिलना चाह रहे हो उनसे, सो ये भी मुझे फील हो रहा है। एंड यहाँ पे एल जो है, अल्फ़ाबेट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जो हैं
चाहते हैं, हो सकता है किसी को आप मनाएं, अगर आप कोई किसी से कोई आप मतलब आप जो हैं आपने किसी को गुस्सा किया है या फिर आपने किसी को ऐसा कुछ बोल दिया, तो मुझे लग रहा है आप मनाने वाले हों उनको। एंड मुझे लग रहा है कि आप चाइल्ड, कोई बच्चा हो सकता है, उसको बहुत खिला के बहुत खुश होगे, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड हो सकता है आपकी मॉम आपको बहुत ज़्यादा इस हफ मतलब आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करे, तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं पेड़ पौधे अगर लगा रहे हैं तो बेस्ट है, पानी तो एटलीस्ट दे ही सकते हो। सो मेरे को पता नहीं क्यों आ जाती है ये फीलिंग, और ये कह सकते हैं कि कुछ भी। सो कहीं ना कहीं अगर आप किसी इंसान पे स्टक हैं, सो मुझे ये फील हो रहा है कि उससे आप उभर नहीं पा रहे हो। आपको भले ही वो कुछ बोले, कुछ भी उल्टा सीधा बोले, बट आप ना उसकी एनर्जी में रहते हो। सो मेरे को ये लग रहा है कि आप अपना छोड़ के उसका ज़्यादा सोच रहे हो, या सोचते बहुत ज़्यादा हो उसके बारे में। भले ही आपको कितना भी डिसरिस्पेक्ट करे, बट आप उनके ही बारे में सोचते हो, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है ना, करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप झुक जाते हो उनके सामने, अगर वो कुछ बोल देते हैं तो आप नहीं बोलते हो ज़्यादा कुछ। इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है कई लोगों के लिए। कई लोगों के लिए ये भी है कि उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी, तो हो सकता है खुल जाएं। एंड आप चश्मा लगाएं ज़रूर, आप अपनी आंखों पे चश्मा लगाए हुए हैं, तो उसको उतारो और देखो कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है क्या नहीं है, तो आपको ज़्यादा फायदा है। क्यों आप इतने उदास हो? मेरे को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, कई लोग बहुत ज़्यादा उदास है, लाइक समझ में ही नहीं आ रहा है कि और शुड आई डू, तो ये चीज़ नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। बट आपको ये काम नहीं करना है। एंड आप जो हैं अपनी लाइफ में धीरे 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 लाइफ में ग्रो कर रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, सो ये आपके लिए बेस्ट है। और आप ऐसे ही करोगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी रिसीव होंगी। देखो मुझे ये फील हो रहा है कि जो इंसान हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, ठीक है, आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो कि ये चला जाए या छूट जाए। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप उसको पकड़ के बैठे हो कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, भले ही वो कितना भी जुल्म सितम सब कर ले, लेकिन आप जो है ना उस एनर्जी में हो अभी भी। सिचुएशंस काफ़ी चल रही हैं। एंड ये देखो, एक बात सुनो, मल्टी टैलेंटेड बनने की कोशिश मत करो, एक एक करके काम करो, ठीक है, जो भी आपको करना एक एक करके करो। सो मेरे हिसाब से जो है आप थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ही दिक्कत होगी ना। सामने वाला का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा, क्योंकि आप अपना मेंटली इतना अपने आप को डिस्टर्ब करके रखे हो, कैसे पॉसिबल है कि सारी चीज़ें सही जाएंगी। हाँ, सही करना है तो बी पेशेंट, ठीक है, पेशेंस रखना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। देखो गुस्से में देखने से, बड़ी बड़ी आंखों से देखने से कुछ नहीं होता है, चश्मा लगाए ना जो, या फिर आप समझ लो आपके चेहरे पे खुद को पता है कि क्या मुखौटा पहने हुए हो आप, तो वो ही निकाल दो, बाकी तो चीजें पॉसिबल है ही। फिर थोड़े से क्लेवर बनने की आप कोशिश करोगे, देखो अपने लिए थोड़ा सा क्लेवर अगर बनते हैं ठीक है, क्योंकि आप शायद अगर आप अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप जो है अभी कोई भी कुछ भी कहता है एंड आप उसकी बातों में आ जाते हो, सो ये अगर काम करते हैं आप हमेशा, सो ये आपको दिक्कत दे सकता है आगे जाके। सो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि खुद के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना चाहिए। मेरे को तो लगता है किसी पर्सन के साथ आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, लाइक कि यही मेरी दुनिया है, मेरे को इसी के साथ घूमना है, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी एल्स। सो मेरे को यही फीलिंग आ रही है कि भले ही आपको कितना भी कोई भी रिलेशनशिप में आपको प्रपोज कर ले, आपको मैरिज प्रपोजल आ जाए, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करोगे आपको ही लाइफ में फ़ायदा मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आपको नुकसान मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सामने वाला अगर आपको भाव देता है तो ठीक है, बट जिनकी यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल ही खराब है, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है आपको मूव ऑन करना चाहिए। देखो बहुत रास्ते हैं आपके पास निकलने के लिए, पूरी जगह रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन आप जो है ना उसमें ये स्टक है, तो ये काम आपको नहीं करना है।
अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हो, आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मतलब टाइम तो आपके पास वापस आएगा नहीं, है ना। सो आप डोंट वेस्ट योर टाइम, सीरियसली डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज बी फोकस ऑन योर करियर। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो अगर आप कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कामों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, तो भले ही आपको वो प्यार करता है तो आपको समझेगा ना, बट ये चीज़ मत करो कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी और के लिए। सो ये थी हमारी पहल टू की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। बट कार्ड से तो हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए मैसेज। सो तो मुझे लग रहा है मैरिज प्रपोजल आपको आ रहे हैं, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सो एक्सेप्ट करें, आप आपके लिए ही बेहतर है। सो आप टू ऑफ सॉर्ड्स की अभी भी कंडीशन देखो, आपको समझना खुद भी मुश्किल है, मतलब आप खुद नहीं समझ पाओगे अपने आप को कभी, अगर इसी ऐसी कंडीशंस बनती रहीं तो। ईगो प्रॉब्लम आ रही है क्या बीच में? दिल टूटा है तो उसको हील करो ना, हीलिंग प्रोसेस में जाओगे। एंड मुझे लग रहा है कई लोग जो हैं हीलिंग प्रोसेस पे हैं। फैमिली की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें जो कि आप नहीं दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो है हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके। सो मुझे लग रहा है आप कुछ चीज़ पे बस टिके हुए हो कि वही चीज़ मिल जाए मेरे को, और उसकी इतनी इच्छा इच्छा कर रहे हो ना, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये लिख लो मेरे से, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड यू आर गेटिंग मैरिज प्रपोजल्स, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। अदरवाइज आप जो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं एंड आपको जो ऑफर आ रही है वो काफ़ी अच्छी है, सो गो फॉर इट। एंड मुझे लगता है आपके जो भी मैरिज प्रपोजल आ रहा होगा, मुझे लगता है कि ये फैमिली के कोई रिलेशन वगैरह से ज़रूर आ रहा होगा, मतलब जानता होगा कोई ना कोई। एक दो कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए, ओके। सो जो आप बिल्कुल विश कर रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं, उतना ना सोचें। एंड कई लोग ऐसे भी हैं जो निकलने की फुल कोशिश कर रहे हैं, सो गो फॉर इट। बट टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन, सो आप जो हैं अपना ख्याल रखें। एंड ये थी हमारी पाइल टू की रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड आपको अच्छी लगी है मेरी रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।